अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी थोरैक्स ऑफ कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच की थोरैक्स को आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कॉकरोच जो उसकी बॉडी जो होती है वो मेन थ्री पोर्शंस पे मुश्तमिल होती है, ठीक है। वो कौन कौन से पोर्शंस हैं? सबसे पहला हेड है, उसके बाद थोरैक्स का रीजन आ जाता है और फिर एब्डोमेन का। तो आज हम थोरैक्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो जो थोरैक्स है, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हेड और एब्डोमेन जो होती है उनके दरमियान में लोकेटेड होता है। तो थोरैक्स का स्ट्रक्चर अगर डिटेल से देखें तो इसमें हमें नजर आता है कि ये कुछ सेगमेंट्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। वो कौन कौन से सेगमेंट्स हैं? इसमें बेसिकली थ्री सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। सबसे पहला जो होगा उसे क्या नाम देंगे? परोथोरैक्स का, नेक्स्ट वाला मीजोथोरैक्स, और लास्ट वाला जो है वो मेटाथोरैक्स उसको कहेंगे, ठीक है। ये थ्री सेगमेंट्स होते हैं जो कि पूरी की पूरी थोरैक्स को बना रहे होते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इन ये जो सेगमेंट्स हैं इनके ऊपर कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि कॉकरोच जो होता है इसका एग्जोस्केलेटन होता है, ठीक है, वो काइटन की फॉर्म में होता है। और ये जो काइटन की फॉर्म में एग्जोस्केलेटन होता है ये इनकी बॉडी को कवर कर रहा होता है, इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। काइटनस सेगमेंट्स होते हैं जो कि जॉइन होके इसकी पूरी बॉडी को कवर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम जब थोरैक्स की बात करते हैं तो इस पे भी कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए यूज हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दो डायग्राम्स बना के दिखाई हुई है। ये क्या है? ये डॉर्सल व्यू है, ठीक है। जब कॉकरोच मूव कर रहा होता है तो अगर हम उसको ऊपर से देखते हैं तो हमें उसका डॉर्सल व्यू नजर आ रहा होता है। और ये क्या है? ये वेंट्रल व्यू है जो कि फ्लोर के साथ, जमीन के साथ टच कर रहा होता है, ठीक है। वो वाला पोर्शन अगर हम उसको इन्वर्ट करके कॉकरोच को देखें तो वो वाला जो पोर्शन होगा उसका नीचे वाला होगा वो क्या होगा? इसका वेंट्रल पोर्शन होगा। तो ये वेंट्रल है, ठीक है। डॉर्सल पे हम देखते हैं कि जो थोरैक्स है इसके ऊपर प्लेट्स होती हैं, ठीक है। इसके हर सेगमेंट्स के ऊपर प्लेट्स होती हैं। उन प्लेट्स को क्या नाम देते हैं? उनको टेरगा का नाम देते हैं, टेरगा, या फिर सिंगुलर इसको टेरगम भी कहते हैं, ठीक है। इन तीनों सेगमेंट्स पे अलग अलग टेरगा मौजूद होते हैं। और फिर जब हम बात करते हैं इसकी वेंट्रल साइड पे तो इसके वेंट्रल साइड पे भी यहाँ पे ये क्या है? ये परोथोरैक्स है, ये मीजोथोरैक्स है, ये मेटाथोरैक्स है। तो इन तीनों पोर्शंस पे, इन तीनों सेगमेंट्स पे भी कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? इनको स्टर्ना कहते हैं या फिर स्टर्नम। अब ये जो दोनों पोर्शंस हैं, टेरगा और स्टर्ना, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जब हम इसके लेटरल साइड से देखें कॉकरोच की तो ये हमें एक्सपोज ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका हेड है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऊपर वाली साइड पे क्या है? यहाँ पे मौजूद टेरगा मौजूद है और नीचे वाली साइड पे क्या है? स्टर्ना मौजूद है, ठीक है। और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो रहे होते हैं लेटरल साइड से। और जिस स्ट्रक्चर के थ्रू, जिस मेम्ब्रेन के थ्रू ये कनेक्टेड हो रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको प्लूरॉन कहते हैं। प्लूरॉन, तो ये हो गया थोरैक्स का स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉकरोच की जो लेग्स हैं और जो विंग्स हैं, ठीक है, वो भी इसके थोरैक्स से ही ओरिजिनेट हो रही होती है। तो इसलिए हम चलते हैं इसके लेग की स्ट्रक्चर की तरफ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कॉकरोच के अंदर कितनी लेग्स होती हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, आर्थ्रोपोड्स के फर्स्ट लेक्चर में, कि सभी इंसेक्ट्स की सिक्स लेग्स होती हैं, थ्री पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। और ये जो तीनों के तीनों पेयर्स हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं? ये जो है थोरैक्स का जो रीजन है, ठीक है, उसी के तीनों सेगमेंट से ओरिजिनेट हो रही होती है। फर्स्ट जो पेयर है लेग का ये फर्स्ट सेगमेंट से, दूसरा पेयर जो है ये दूसरे सेगमेंट से, और तीसरा जो है वो तीसरे से ओरिजिनेट हो रहा होता है। तो इस तरह ये कनेक्टेड होते हैं थोरैक्स के रीजन के साथ। और थोरैक्स का जो स्ट्रक्चर होता है इसकी जो वेंट्रल साइड पे स्टर्ना मौजूद होते हैं इन्हीं की एंटीरियर साइड से ये ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, ठीक है, और इसकी वेंट्रल साइड से ये कनेक्टेड होती है लेग्स। तो अगर हम एक लेग का स्ट्रक्चर डिटेल से देखें तो इसमें जॉइंट्स होती हैं, सेगमेंटेड होती है, ठीक है। जॉइंट्स जो है वो कितने होंगे? इसमें हमें फाइव जॉइंट्स नजर आएंगे जो कि मिलके
एक लेग का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। तो सपोज ये लेग है तो इसमें हमें 5 जॉइंट्स नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को डिटेल से देखें तो हमें ये वाला जो है ये एक लेग का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है। सबसे पहला पोर्शन क्या है इसमें, कॉग्जा का। कॉग्जा क्या है कि ये लेग की सबसे मोस्ट एंटीरियर पोर्शन, मोस्ट एंटीरियर जॉइंट होता है जो कि बॉडी के साथ कनेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये फिक्स होता है बॉडी के साथ, बिल्कुल अटैच हो रहा होता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा इतना ज़्यादा स्मॉल सा स्ट्रक्चर नहीं होता, थोड़ा सा होता है, ये बल्जी लाइक होता है, ठीक है। और इसके जो नेक्स्ट वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा, ट्रोकेंडन होगा। और ये बहुत ही स्मॉल छोटा सा पोर्शन होता है और ये आर्टिकुलेट कर रहा था, ये मूवमेंट कर रहा होता है, ठीक है। कॉग्जा की जो मूवमेंट है वो इसी से कंट्रोल हो रही होती है, ट्रोकेंडन ही जो कॉग्जा होता है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, मूवमेंट करवा रहा होता है, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट पोर्शन है वो क्या है, फीमर है। फीमर जो है ये थोड़ा सा इलोंगेटेड है, ठीक है, सिलेंडर लाइक है। और ये इसका जो पीछे वाला पोर्शन है उससे थोड़ा लार्ज इन साइज है, ठीक है, इलोंगेटेड है। और फीमर से जो नेक्स्ट पोर्शन है वो क्या है, टिबिया है। टिबिया फीमर से भी ज्यादा इलोंगेटेड और सिलेंडर लाइक है, ठीक है। और फीमर और टिबिया दोनों जो है इनके ऊपर ब्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड होते हैं इनपे, जिनको हम किस क्या नाम देते हैं, ब्रिस्टल्स का। और टिबिया के बाल वाला जो पोर्शन है वो क्या है, टार्सस है, ठीक है। टार्सस पे हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे है कि आगे जाके ये और डिविजन्स बना रहा होता है, ठीक है, जिनको हम क्या नाम देते हैं, प्लैंटुली का नाम देते हैं, ठीक है। और बिल्कुल टार्सस जो है वो एंड पे आके एक क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर बना रहा होता है। अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये हमें ऐसे नजर आएगा, दो यहाँ से क्लॉ निकल रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें एक छोटा सा और पोर्शन नजर आएगा। फिर जब हम इसको डिटेल से इसको देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हमें ऐसा नजर आएगा, ये थोड़ा इन्वर्टेड सा बनाया हुआ है, ठीक है। वैसे ये क्लॉ जो है ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो क्लॉज है यहाँ पे दो क्लॉज मौजूद होते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर इसको प्री टार्सिस कहते हैं, ठीक है। और जो एंटीरियर साइड पे इसको क्या कहेंगे, एरोलियम कहेंगे। ये बिल्कुल लेग्स के एंड पे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि जब कॉकरोच मूवमेंट कर रहा था, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लोकोमोशन करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर, एक तो एरोलियम और दूसरा क्या है, प्लैंटुली। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे इस तरह से बने हुए हैं, ये दो स्ट्रक्चर जो है वो एडहेसिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। जब भी कॉकरोच किसी बॉडी पे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करेगा तो ये उसके साथ अटैचमेंट शो करेंगे और उसकी वजह से हेल्प होगी कॉकरोच की कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट से, जैसे ग्लास लाइक मटीरियल होगा उसके ऊपर मूवमेंट करेगा तो वो वहां से गिर नहीं जाएगा या कहीं और स्लिप नहीं हो जाएगा, ठीक है। इस पर्पज के लिए प्लैंटुली और एरोलियम जो है वो कॉकरोच की लेग्स में ये वाला रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये था एक लेग का स्ट्रक्चर। इसी तरह से ये जो सारे लेग्स हैं ये मोर और लेस एक जैसी ही होती हैं, सिमिलर होती हैं, सिमिलर इन नेचर होती हैं। तो यहाँ पे 3 पेयर्स होते हैं, फर्स्ट पेयर, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि ये जो थोरेक्स थी हमारे पास, ठीक है, उसके 3 सेगमेंट्स थे, उन तीनों सेगमेंट्स पे जो है वो मौजूद होती है लेग्स, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको पहले जो है वो, तो मैंने आपको जो टर्गा और स्टर्ना के बारे में बताया, टर्गा जो होता है प्रोथोरेक्स में जो टर्गम होता है वो इनलार्ज होता है, ठीक है, और वो ना सिर्फ प्रोथोरेक्स को कवर कर रहा होता है बल्कि कुछ पोर्शन हेड का भी कवर कर रहा होता है और इसके अलावा मीजोथोरेक्स का भी कुछ पोर्शन कवर कर रहा होता है। और बाकी सारी डिटेल के इनके वेंट्रल साइड पे जो प्लेट्स होंगी उनको क्या कहेंगे, स्टर्ना कहेंगे, ठीक है, वो तीनों सेगमेंट्स में मौजूद होंगे। और प्लूरोन्कर के बारे में मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं विंग्स की। तो कॉकरोच जो है इसमें 2 पेयर्स होते हैं विंग्स के, ठीक है, और ये जो 2 पेयर्स हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, एक मीजोथोरेक्स से पेयर ओरिजिनेट हो रहे हैं बॉडी के दोनों साइड्स पे और एक जो है वो मेटाथोरेक्स से ओरिजिनेट हो रहा होता है, ठीक है। और इसमें ये जो विंग्स हैं इनका फंक्शन क्या है कि ये फ्लाइट के लिए यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ये जो विंग्स हैं फॉर विंग्स हैं
ये क्या करते हैं, ये जो हाइंड विंग्स हैं इनके, ठीक है, हाइंड विंग को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इनका फंक्शन यही होता है, क्योंकि जो हाइंड विंग है ये बहुत ही डेलिकेट इन नेचर होते हैं और इन लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू फोर विंग्स। तो जब बॉडी रेस्ट की पोजिशन में होती है, कॉकरोच रेस्ट की पोजिशन में होता है, फ्लाइट नहीं कर रहा होता, ठीक है, उस वक्त क्या होता है कि फोर विंग जो है वो कवर कर रहे होते हैं हाइंड विंग्स को, हाइंड विंग क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर फोर विंग्स आ जाते हैं, जिस तरह की इस डायग्राम में शो किया हुआ है। तो जब हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनके विंग्स के अंदर मेम्ब्रेन नहीं होगी, बल्कि इनके ऊपर जो एपिडर्मस थी वो डिसॉल्व हो गई है, ठीक है, इनके जो है वो मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि कुछ नर्व्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रांचिंग बनी हुई है नर्व लाइक स्ट्रक्चर्स की, और साइड्स पे इनके मेम्ब्रेन मौजूद है। और ये जो विंग्स हैं ये हेल्प कर रहे होते हैं इनकी फ्लाइट में, किस तरह हेल्प कर रहे होते हैं, किसके थ्रू, मसल्स के थ्रू, ठीक है। जब हम यहाँ पे देखते हैं तो सपोज ये इनका विंग है जो कि बॉडी से ओरिजिनेट हो रहा होता है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे मसल्स मौजूद है, जैसे कि ये वाला ये क्या है, एंटीरियर प्लूरल मसल्स है, ठीक है, जो कि अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक करवा रहा होता है विंग्स को, ठीक है। अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक की वजह से विंग्स जो है वो मूवमेंट शो करते हैं, और उन मूवमेंट की वजह से फ्लाइट जो है वो होती है कॉकरोच के अंदर। और यहाँ पे ये वाले जो स्ट्रक्चर ये क्या है, ये प्लूरॉन है, जिसके थ्रू टेरगोर ना जो है वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ये वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ मैंने आपको बताया था। और ये वाले मसल्स इनको क्या नाम देते हैं, टेरगोस्टर्नल मसल्स, क्योंकि ये टेरगम और स्टर्नम के दरमियान में है, ठीक है। और मसल जो है वो मेनली रोल प्ले कर रहे होते हैं विंग्स की लोकोमोशन के लिए, लेग्स की लोकोमोशन के लिए, और ओवरऑल जो कॉकरोच की बॉडी मूवमेंट शो करती है वो सिर्फ और सिर्फ मसल्स की वजह से होता है, ठीक है। मसल्स ही जो है वो कंट्रोल करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और मूवमेंट शो होगी बॉडी की। तो यहाँ पे कुछ मसल्स हैं, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल मसल है और यहाँ पे डॉर्सल्स मसल्स हैं। तो इस तरह ये मसल्स जो हैं ये इन्वॉल्व हो रहे होते हैं ना सिर्फ लेग्स की मूवमेंट में बल्कि विंग्स की मूवमेंट में, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको थोरेक्स का स्ट्रक्चर डिटेल से बताया, इसकी लेग्स के सारे स्ट्रक्चर की डिटेल, ठीक है, उनका फंक्शन और विंग्स का, ठीक है, कि इसमें कितने विंग्स होते हैं, उनका नाम क्या है और वो किस तरह मूवमेंट शो कर रहे होते हैं अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक के थ्रू। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आपके क्वेश्चन हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।